यहाँ तो सारी हो गई हैं, तो अब चलते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हुमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर से। आजकल वेदर यूए का बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे सराउंडिंग की जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान इंडिया में बहुत ठंड पड़ रही है, और एज़ वेल एज़ हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। यूए का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत नॉर्मल चल रहा है। सुबह उठते साथ ही मैं और हमदान नाश्ता करते हैं। मॉर्निंग में हस्बैंड और सुफियान को ड्रॉप करने के बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद जब उठती हूँ तो फिर मैं और हमदान नाश्ता करते हैं, जैसे बाकी घरों में होता है। तो मैंने सोचा मीनवाइल जब मेरे एग बॉयल्ड हो रहे हैं तो मैं अपने कमरों को समेट लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले जो है हॉल में आई थी, और मैंने यहाँ पर आके कम्बल को समेट लिया था। और मेरा यही होता है कि जब कोई मुझे बॉयल्ड एग का ही नाश्ता होता है तो फिर मैं ऑफ़ जो लाइन वर्क होते हैं वो मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि सारे वर्क हमें ही मैनेज करने, सारे वर्क हमें करने हैं, तो फिर हमें इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, एक हाथ इधर एक हाथ उधर। तो इसी तरीके से मैंने सारे कमलों को फोल्ड कर लिया था, अपने रूम को भी समेट लिया था। और फिर जब ये मैंने सारा रूम समेट लिया था, उसके बाद जो है मैं किचन में फिर अपने नाश्ते की तरफ गई थी। और आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ी सी स्किन केयर के बारे में, और हम पेडिक्योर भी करेंगे। नॉर्मली हम घरों में रहने वाली खवातीन अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, ना ही अपनी स्किन का केयर करती हैं, ना ही अपनी बॉडी का केयर करती हैं, और ना ही अपनी डाइट का केयर करती हैं। तो ये काम तो सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो हमें इन इन्हीं कामों में से अपने लिए ही थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, और हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें हिम्मत करनी होगी। तो हम लोग सब कर सकते हैं काम, अगर हम ये कर सकते हैं तो हम अपना ख्याल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें कोई पानी नहीं देगा, हमें कोई बैठ के खाना नहीं खिलाएगा, तो ये सब कुछ हमने खुद ही करना है। तो जी, इसके बाद सारा रूम डन करने के बाद मैंने डाइनिंग टेबल पर अपना जग भी रख दिया था पानी का। और थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करके ही जाते हैं। और लास्ट मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। आप यकीन करें कि आप उस वीडियो को अगर फॉलो करते हैं, उन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आपका वेट बहुत अच्छी तरीके से मेनटेन होगा और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन डाल दूंगी, न्यू कमर्स के लिए, जो न्यू मेरी वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए ईजी होगा उस वीडियो तक पहुँचना। यहाँ पर हमदान बार बार आ रहे थे, तो मुझे जो है ना कर्टन्स को देख देख के बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा हैवी कर्टन्स थे, तो वो मैंने भी रिमूव करवाए हैं। तो ये मेरे हॉल की ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, यहाँ पे कर्टन्स को मैंने रिमूव करवाए हैं, तो मैंने इसको लॉन्ड्री भेजा है वॉशिंग के लिए, वो आ जाएंगे थर्सडे नाइट को आ जाएंगे। और फिर जो बाकी के रूम्स के बेडरूम्स के थे वो मैंने उतार के खुद ही वॉश कर लिए हैं, और बाकी अभी मेरे बेडरूम के पड़े हुए हैं वो मैं वॉश करूंगी, और हॉल के जो छोटे वाले हैं और जो मास्टर बेडरूम है उसके मैंने खुद ही वॉश कर लिए। तो आजकल मुझे जरा इस चीज की बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। और ये मेरा छोटू जो है बार बार आ रहा है, ये मेरे बच्चों की चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है लॉबी में, कॉरिडोर में ये सब चीजें पड़ी हुई है। तो चलते देखते हमारे अंडे हो गए हैं कि नहीं हो गए। अंडे तकरीबन हो गए हैं, तो बस इसको बंद करते हैं, और उसके बाद जो है मैं अपनी चाय शाय बनाती हूँ। और फिर आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ कि रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं रात को लेट सोई। फिर उसके बाद 5 बजे उठ गई, हस्बैंड को भेजा ऑफिस, उसके बाद 1 घंटे के बाद सुफियान को स्कूल भेजा। तो उसके बाद दोबारा नींद आना बहुत मुश्किल होती है, मैं जब नींद आई जब आँख खुली तो 10:15 हो रहे थे। तो अभी भी बहुत ज्यादा टाइम मेरा मिसमैच हो गया, मेरी रूटीन से हटके हो गया। नॉर्मली मैं 9 बजे उठ जाती हूँ, तो आज मैं 10:30 बजे उठी, तो 11 बजे मेरा नाश्ता खत्म होगा, फिर सफाइयाँ होंगी। आज मुझे ये भी चेंज करनी है, अपनी स्टॉफ की लाइन चेंज करनी है, शीट चेंज करनी है। फिर 1 बजे सुफियान के आने का टाइम हो जाएगा। अभी सिर्फ मेरे पास 2 घंटे हैं, और आज वैसे मैंने कुकिंग तो नहीं करनी है, लेकिन 2 घंटों में मुझे अपने सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं स्किन केयर और अपनी बताऊंगी आपको स्किन केयर के हवाले से थोड़ा सा, तो वो भी मुझे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चले पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, पहले थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, एनर्जी होगी तो ये बाकी सारे काम होंगे, अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम भी कुछ भी नहीं होंगे। अगर आप फिट नहीं तो फिर आपके घर का कोई भी टास्क फिट नहीं, तो सबसे पहले आपको फिट होना है,
फिर बाकी के टास्क है। तो मेरा सबसे बड़ा हैवी टास्क था कर्टन्स का, तो आधे कर्टन्स तो मैंने लॉन्ड्री में दे दी हैं, वो बहुत हैवी थे, वो घर में धुलना मुश्किल थे, यहाँ पे इतना अरेंजमेंट भी नहीं होता, फ्लैट्स होते हैं और उनको बहुत ज्यादा ज्यादा मिकदार के पानी की जरूरत थी, तो मैंने वो लॉन्ड्री में दे दिए, बाकी मैंने खुद कर लिए। तो चले बैक टू द वर्क आते हैं। तो सबसे पहले मैं और हमदान ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जी फिर हम अपने बाकी टास्क की तरफ आते हैं। टाइम सर्विंग सर्विंग साइज 27.5 ग्राम और सर्विंग पर कंटेनर अबाउट 20, ठीक है 20, ये 27 ग्राम का एक पीस है, ठीक है। तो हम नॉर्मली जो है काप मॉर्निंग में ले सकते हैं 70 ग्राम तक ले सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली निकले भी 2 पीस हैं। मेरे ख्याल से मैं और हमदानी खा लेंगे और ये देखिए वाइट ब्रेड है, ठीक है कुछ भी आप ले सकते हैं, व्हाइट ले लें ब्राउन ले लें। और ये मैंने हम सब की तरह जो घर में बच जाते हैं डब्बे उसमें मैंने डाला है अपना ये मक्खन, तो ये सॉल्टेड मक्खन है, ये थोड़ा सा लगाते हैं फिर देखते हैं। बटर नाइफ आ गई है और ये हम इतनी इतने मिकदार लगाएंगे, ठीक है मक्खन लगाना है और इसी को कोशिश करें कि हर जगह स्प्रेड कर दें, थोड़ा सा अगर चाहिए तो थोड़ा सा ले लें क्योंकि मक्खन जो है ना मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि बाकी तो फिर मैंने ऑयल कंट्रोल किया होता है तो, लेकिन इतनी जितनी मैंने आपको मकदार बताई है ना और सेकंड टाइम भी मैंने लिया उतना भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो जी हमारा चारों तरफ मक्खन लग गया, लेकिन मक्खन आपका मेल्ट होना चाहिए, सर्दियों में अगर मक्खन मेल्ट नहीं होता ना फिर तो आप लगे ही रहते हो। तो इसको बीच में से हाफ कर लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये लेते हैं, फिर मक्खन की मकदार लेते हैं और इसको भी लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये इनफ होगा, ये लग जाएगा सारी तरफ ना, तो जी ये देखो ये सारी तरफ लग गया है। और सुनाए आप सब कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल, हर तरफ विंटर विंटर छाया हुआ है, पाकिस्तान में भी काफी ठंड पड़ रही है, इंडिया में भी और कनाडा में अमेरिका में हर तरफ ठंड का माहौल है, यहाँ यूएई में भी अच्छा मौसम हो रहा है, ज्यादा ठंड तो नहीं हो रही लेकिन अच्छा मौसम हो रहा है। तो आप लोगों की क्या क्या रूटीन है कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ठंड में तो इंसान थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, तो आप लोगों की क्या लेडीज की रूटीन है। वैसे तो लेडीज के लिए तो कोई भी नहीं है बेचारियों का, सर्दी हो या गर्मी हो उन लोगों को तो बेचारियों को मेरी तरह ही काम करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता उनके साथ। तो मुझे बताएं कि आप लोग सर्दियों में जब ठंडा पानी आ रहा होता है और गैस की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग कैसे काम मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। वैसे तो मैनेज हर कोई कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है क्योंकि लेडीज को पता होता है कि उन्होंने घर के सारे टास्क कैसे कम्प्लीट करने हैं। तो जी मेरे एग भी हो गए, मैंने कहा एग के साथ साथ उनसे आपके साथ बातें भी कर लेते हैं और फिर भी उनकी कोई तारीफ नहीं की जाती और उनको यही बोला जाता है तुम करती क्या हो सारा दिन। तो जी कोई इनसे पूछे कि सर्दी हो या शदीद गर्मी हो वो जो है सारा काम मैनेज करती हैं, गर्मियों में चूल्हे के आगे खाना वाना पकाती हैं और सर्दियों में जो ठंडे ठंडे पानी से बर्तन वॉश करती हैं, खाना पकाती हैं, सफाइयां करती हैं, बच्चों को देखती हैं। तो भाई ये भी बहुत बड़ा टास्क है अगर कोई समझे तो। तो जी आजकल मैं ब्राउन एग लेकर आई थी, लास्ट टाइम मैं व्हाइट एग लेकर आई थी तो उसका एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा नहीं रहा था। तो चले जी मेरे एग हो गए हैं डन, तो अब मैं जरा चाय की तरफ बनाती हूँ, चाय की तरफ जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, ठीक है चाय का भी दिखाते हैं आपको। क्या करती हूँ कि जो इसका गर्म पानी बचता है ना, गर्म पानी बॉइल्ड एग का, वो मैं हमदान का फीडर है ना उसके अंदर डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा क्या होता है कि फीडर भी अच्छी तरीके से जरा स्टरलाइज हो जाता है। और मुझे इसी में चाय बनानी है क्योंकि हमदान तो चाय पीनी नहीं है, थोड़ी सी पिएगा वो, पता नहीं मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा, क्या मसला हो गया, मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, नहीं ठीक हो रहा, तो पहले वो नहीं ठीक हो रहा, इतनी कफ है, ड्राई कफ है मुझे, सुफियान को, हमदान को। तो कोई अगर देसी टोस्ट का उसको कैबा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। रात में बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, आई डोंट नो रात में क्यों कफिंग होती है, बहुत ज़्यादा रात में तंग करती है खांसी। तो जी ये छिलके पहले फेंक देते हैं डस्टबिन में, सिंक को क्लियर कर लेते हैं।
चलिए चलते हैं, बनाते हैं चाय। के लिए चाय के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्किम मिल्क। वैसे तो मैं लो फैट लेकर आती हूँ, लेकिन इस दफा मैं स्किम मिल्क ले, ये तो बहुत ज्यादा पानी की तरह पतला है। अभी आप देखिएगा कितना पतला है, ये देखें, ओहो गिर भी गया, ये देखें पानी की तरह, ये बिल्कुल पतला है, इसमें कुछ भी क्रीम कुछ भी नहीं डला हुआ, बहुत ज्यादा पतला है। तो वैसे मैं लो फैट यूज करती हूँ, लेकिन इस बार मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स डेली बहुत अच्छे हैं, मैं ये ले आई। तो बस चाय फटाफट बनाते हैं। एक तो मैं इतनी कॉकरोचेस से तंग आ गई हूँ ना, ये जो किचन कॉकरोचेस होते हैं, आई डोंट नो, मैंने भी पेस्ट कंट्रोल भी करवाया, लेकिन मैं ये नहीं, तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इसकी भी लगता है कोई रेमेडी यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी कि देसी तरीके से कॉकरोच को कैसे हटाया जाए। इतने छोटे छोटे कॉकरोचेस हो गए ना, तो मैंने तो डेली बेसिस पे जो है कि पिफ पैफ का ये मैंने स्प्रे भी रखा हुआ है, जहाँ मुझे नजर आता है मैं मार देती हूँ उसको, लेकिन फिर भी वो इतने हैं, अभी इतने नहीं है, लेकिन ये कि पेस्ट कंट्रोल करवाया लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हुआ। तो चलिए जी चाय की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात होती है आपसे। उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, जाते जाते अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा का आईडी भी डाल दूंगी, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अलावा मैंने अपनी लास्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग की वीडियो पोस्ट की थी, ये उन लोगों के लिए जो न्यू अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने देख रहे, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे डाल दूंगी, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, उसको मिस मत कीजिएगा। मैंने उससे तकरीबन अपना 10-12 किलो वजन कम किया है, हेल्पफुल है, बेस्ट है, आप उसे बोर भी नहीं होंगे, घर की डाइट से आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए। कंप्लीट चले, ये बस नाश्ते के इतने ही बर्तन है, नाश्ते बड़े रात को ही वॉश कर लिए थे, कितना मेरा बुरा हुआ, नहीं मुझे फेंकना है। आप लोग भी कहते होंगे कि बर्तन ही नहीं सही मारती है, एक चम्मच तो नीचे गिर गया स्पैचुला। तो ये मैंने रात के धोए हुए बर्तन, इनको अपनी अपनी जगह पे ये बस धोते हैं, और फिर उसके बाद अपने दूसरे कामों की तरफ आते हैं। ठीक है, ये भी है भाई साहब, ये भी धोना है। चलिए बात आती है इसकी, अभी गर्म है, कितने गंदे हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल साफ है। ये मैं तकरीबन 1 वीक के बाद या 2 दिन के बाद देख सकते हैं। आप इस पे लगाते हैं ये मैजिक फार्मूला, लाइट का है और ये 6 दिरहम का है, और ये मैंने गिफ्ट मार्केट से लिया है, इसका जादू दिखेगा, सारे स्टेन जो है ना ये ऐसे रिमूव कर देगा, इसको बस ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, 70 ग्राम जो है ना बंडल्स और जो उसकी टाइम है वो वॉश कर लेते हैं, बंडल वॉश कर लेते हैं, गर्म फल देखेंगे मेरे हाथ में अच्छे से। चिकनाहट लगी है, मैंने परसों बनाई थी खीर, तो खीर की चिकनाहट लगी है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। ये गिलास मैंने इसे रखा हुआ है, क्लीन करके ना इस तरीके से ये सारी दाल उतार लेते हैं। चलेंगे, ये भी वॉश हो गया। तो जी बारी आ रही है मैजिक की, स्क्रबर पकड़े और फिर सब मैजिक देखो, टाइम मेरा बड़ा शॉर्ट है, 1 घंटा रह गया है, और मुझे अभी पर्दे भी डालने हैं, ग्रूमिंग भी करनी है, तो जी फटाफट इसको काम को कंप्लीट करते हैं। चलो बस अभी ऐसे जो फार्मूला है ये सोल्यूशन है, ये फायदे के लिए आप उसे करो, इसके बाद कोई सा भी मंदिर ये कपड़ा पकड़ के साफ कर दो, और इसके सारे स्टेन कर देते हैं, है ना जादू, ज्यादा घिसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे इसके ऊपर मैंने शीट बिछा ली होती तो नीचे से ज्यादा गंदा नहीं होता। ये देखो जी साफ हो गया है हमारा स्टफ अच्छे तरीके से, जबरदस्त देख करते हैं इसके ऊपर ऐसी कुकिंग करें, लेकिन कुकिंग करते हुए पता नहीं क्या बात है, खाना इधर से गिर उधर से गिर हर जगह से गिरता ही रहता है, तो फिर शीट का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जितना मर्जी आप बचा लो आपका खाना लाजमी ही सब पे गिरता है। और दूसरा चाय और दूध का, भैया की चाय और दूध का दुश्मन है, जब तक इनको देखते रहो गलती नहीं है, जैसे ही आपने नजरें हटाई तो जी उन्होंने बंदे बाहर जाना है, ऐसे ही है ना। स्टर्व हो गया है क्लीन, अब इसमें बिछाते हैं अपनी जो अलमोनियम फॉइल शीट है वो बिछाते हैं, देखिए हो गया ना क्लीन, चलो शीट लेकर आते हैं, शीट में ले आई हूँ, अब इतना मेरा है स्टर्व, इसके अकॉर्डिंगली मैं कट कर लूँगी। वैसे उठाना और जो ये पेन है ना ये वाली,
इसके बाद मैं इसे करूँगा अटैच, फिर करेंगे अभी चूड़ी की मदद से पहले इसको रेडी कर लेते हैं। आई नो कि ये हमारे तरीके का काम है, शायद आप थोड़ा सा देखिए बहुत ही होते होंगे, लेकिन भाई अभी फिलहाल तो यही है दिखाने के लिए। ठीक है जी, नाइफ पकड़ते हैं और इसे अपने बंडल के मुताबिक कॉल करते हैं। और हो गया, ठीक है जी, इस साइड को करते हैं। बस अगर इसके ऊपर बोला देंगे बर्नर तो माना ये काम ये काफी जरूरी है। इसके बाद सेकंड टास्क है मुझे कर्टन रिमूव करना है और फटाफट भी नहीं करते, ठीक है जी। नेचुरल जी रहते हैं, बिस्मिल्लाह रहते हैं ना, ये छोड़ रखते हैं इधर, इसका है ये, ये दो रहते हैं इनको रखते हैं हम। चलो जी ये लास्ट वन भी रख दिया और ये हमारी सीट स्टफी रेडी हो गई है, ठीक है जी। अब ऑर्डर को करते हैं क्लीन, फिर उसके बाद उसे रोल करते हैं और हमारा ये काफी डन हो जाएगा। इसको रखते हैं इसकी जगह पे वापस। चलो जी इसको रखते हैं नीचे। फाइनल नंबर है जी हमारी जमीन का, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा क्लीन था। इस रूम के चढ़ाते हैं पर्दे, यहाँ पे तो मैंने लिखी हुई है जी। ये टास्क भी हो गया, ठीक है जी, ये टास्क भी हो गया। पर्दे भी डल गए, अब चलते हैं दूसरी तरफ पर्दे डालते हैं, ठीक है जी। ये रूम भी क्लीन हो गया, बस यहाँ से रूम कर लेते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। वैसे तो रूम बिल्कुल क्लीन है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जहाँ से भी कचरा होगा उसको भी क्लीन कर लेते हैं रूम से। फिर अब चलते हैं हॉल की तरफ, हॉल में डालेंगे पर्दे और जो मेन भी बड़े कर्टन है बड़े हैं वो आएंगे थर्सडे को, तो फिर थर्सडे को भी डालेंगे, ठीक है जी। मास्टर बेडरूम को कर दिया क्लीन, चलो जी चलते हैं। सारा रूम हो गया क्लीन, मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। पढ़ने लगी हूँ, ऊपर चढ़ने लगी हूँ, पर्दा करने लगी हूँ। ठीक है जी, घर के काम इतने इजी नहीं होते जनाब, कदर कर लो। I am right, ladies? तो मुझे लाइट जलाना याद ही नहीं रही, तो लाइट अगर मैं जला लेती तो इजी हो जाता मेरे लिए। अब अंधेरा हो गया, एक मिनट गाइस,
चलें जी, मैं नीचे उतार रही हूँ, गल गए हैं मेरे पर्दे। अच्छा काम हो गया, बैठरूम का रह गया, बस बैठरूम करते हैं, उसके बाद अपना काम फिनिश करते हैं। ये रूम भी सारा ही क्लीन हो गया, सब क्लीन हो गया। अब चलते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। ये रूम मेरा चाची भी साफ नहीं हो सकता, मैंने अभी ये सारा बेड क्लीन किया था, लेकिन हम बाहर साफ करते हैं। रूम मेरा साफ रहने देते ही नहीं, तो पता नहीं चिड़ है मेरे रूम से। Why you do this man, बेटा? मैं 10 दफा ये रूम क्लीन करती हूँ, हम 10 दफा। चले बैठरूम करते हैं, यहाँ पे ये टॉयज का भी देखें। चलो जी बैठरूम करते हैं, क्योंकि अभी फिर 5 मिनट के बाद मेरा रूम ऐसे ही हो जाना जैसे हम बाहर में। तो सारी हो रही हैं, तो अब चलते हैं अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल करते हैं। स्किन मतलब अपनी बॉडी का, एक कैल्शियम, एक आयरन और एक मल्टी विटामिंस लेते हैं, उसके बाद की फिर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रा ये खा लेते हैं ताकि थोड़ी सी ताकत आ जाए, क्योंकि जितनी ताकत थी सुबह उठ के वो सारी लगा दी है। तो अब थोड़ी सी फिर अपने आप को बूस्ट करते हैं बाकी के कामों के लिए। अब हम करते हैं सारे काम कर दिए हैं, सुफियान को स्कूल से पिक भी कर लिया है और वो खाना खा रहा है। तो अब मैंने ये पानी गर्म करने के रखा है, पैरों में बहुत सख्त दर्द हो रही है, तो मैंने कहा अपना जो देसी टोटका है आज पैरों का थोड़ा सा मैनीक्योर पेडीक्योर कर लेते हैं। तो इसके लिए दी हूँ इसमें नमक, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे शैम्पू, शैम्पू मैं डालूंगी जब मैं इसमें डिप करूँगी, ठीक है। और नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस ऐड करती हूँ, थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं इसमें। लेमन जूस ना हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन जूस सही है, फ्रेश हो तो फ्रेश डाल लें, मेरे पास रेडीमेड है, मैंने वो डाला है इसमें। अब स्टिल बॉयल आने तक का इसका वेट करते हैं। पैर में इस कदर दर्द हो रही है ना, तो मैंने कहा नमक से हील हो जाएंगे पैर, तो फेस के लिए बनाते हैं स्क्रब, स्क्रब तो नहीं कॉफ़ी का। यहाँ से लेते हैं अपनी नेस्कैफे की कॉफ़ी बाउल, 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी ली है अपना फेस पैक बनाने के लिए। कॉफ़ी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसको अपने अंडर आर्म्स पे भी लगाएं तो इंस्टेंट जो है आपकी स्किन साफ होती है। फेस पे लगाएं, पैरों पे लगाएं, हाथों पे लगाएं और बालों पे लगाते हैं तो बालों पे बहुत अच्छा कलर आता है। तो इसको सिंपली हम हल कर लेंगे, पानी से कर लो, दूध के साथ कर लो, तो जो अवेलेबिलिटी है उसके साथ करते हैं और इसका मिक्सर तैयार करके अपने चेहरे पर लगाते हैं जब तक हमारा वाटर भी बॉइल्ड हो रहा है, ठीक है जी। गाढ़ा सा इसका मिक्सर तैयार हो गया, तो चलें चलते हैं और अब इसको अपने फेस पे लगाते हैं, ठीक है जी। और हमारा वाटर भी बॉइल्ड हो गया है। इतना वाटर डाल देंगे कि पैर जो है डिप हो सकते हैं, जितना हॉट है काफी। कॉफी भी मैंने बना ली है और ये सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, देसी तरीके से डालते हैं पाव को इसके अंदर। अभी तो देखो पाँव कितने गंदे हो रहे हैं नीचे से भी। और ये मेरे पास जल का स्क्रब है और ये और मेरे चेहरे पे भी लगा लिया। और कॉफी का मतलब क्या, इतना जबरदस्त हैक है कि कॉफी अगर आप दांतों पे भी लगाए ना तो उससे आपके दांत भी चमक जाते हैं। पानी मैंने कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया है, पानी को जरा थोड़ा सा मैं देखती हूँ। गीजर में मैंने गीजर ऑन किया हुआ था, थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, ठंडा ज्यादा ही हो गया। तो बस 10-15 मिनट को करते हैं और चेहरे को फिर ये भी कॉफी से अच्छी तरीके से धोने का स्क्रब करके फिर उसके बाद ही मिलने हैं। सर्दियां भी हैं और पैर भी फट रहे हैं, और अगर किसी की एड़ियां फटी हुई है तो वैसलीन भी लगाए, वैसलीन भी बहुत अच्छा है, पेट्रोलियम जल्दी नहीं होती और आपको लगा के तो वो आप सो जाए सॉक्स के साथ, फिर मॉर्निंग में इसको धोएं आपके पैर भी नरम होंगे और वो जो क्रैक्स हैं वो सारे खत्म भी होंगे। देसी तरीका है पेडिक्योर करने का, कोई भी तीन ब्रश लेके, खराब वो नहीं तो आपके ब्रश करने वाले, इससे जो है ना वॉश अच्छी तरीके से कर लेते हैं। क्लीन शैम्पू मैंने बच्चों पे डाला था, कोई सा भी स्क्रबर लेके एक पाँव को कर लेते हैं। काफी हद तक साफ हुआ
बाजार से अगर आप जाए सैलून से करवाने के लिए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर तो 40 दिरहम है इसके चार्जेस, 40 से 60 तक के हैं। अभी सीधे किसी दूसरे पैक को कर लेते हैं। हफ्ते में एक दफा या नहीं 15 दिन में एक दफा लाजमी अपने हाथ और पैर की केयर किया करें। अगर आप इनकी केयर करेंगे तो फिर ये भी खुश रहेंगे आपसे, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। पैरों का जूती भी पहनने का मजा नहीं आता, जिनकी लेडीज की एरिया फटी होती हैं वो नहीं ख्याल कर पाती तो सम हाउ तो उसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो अपना आपने खुद ख्याल रखना है, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, ना ही आपको कोई पानी देगा बिस्तर पर बैठ के, आप बेशक दे दें किसी को लेकिन कोई आपको नहीं देगा। और अपनी डाइट का भी खुद ख्याल रखें, अपनी विटामिंस पूरे करें, आयरन पूरा करें, इसी तरीके से हाथों को भी आप डिप कर सकते हैं। नमक से काफी हील होती है एड़ियां, दर्द दूर होती है नमक से। तो बस मेरा पानी थोड़ा सा ज्यादा ही ठंडा हो गया क्योंकि मेरी एड़ियों में दुख रही थी सुबह से, काफी लंबा चौड़ा मैंने काम कर लिया था और वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। स्क्रबर पकड़ते हैं, ठीक है जी, स्क्रबर भी साथ साथ ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर डिप कर लेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, स्क्रबर मार लेते हैं। सुफियान आई मीन बैक रूम, ओके इसके बाद इसको मॉइस्चराइज करेंगे, जब हम अपना शावर कंप्लीट कर लेंगे फिर मॉइस्चराइज करेंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरे जो है रूम में है और बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं लेकिन मैं फिर भी जो है अपने काम कर रही हूँ कि अब क्या करें, बिल्कुल तो अपना आप नहीं छोड़ सकते ना। जब मौका मिले अपने आप को जरूर टाइम दें, बिल्कुल मत छोड़ दें। मैंने भी जल्दी जल्दी ही किया है क्योंकि और भी टास्क है मेरे पास, पानी केयर अपनी के अलावा भी और भी है, नमाज भी है, फिर दूसरा सुफियान को स्कूल का पढ़ाना है, फिर जाना है वॉक पे, तो इसलिए बस ये जल्दी जल्दी पैरों को कर लेते हैं हील, मांजे से साफ कर लेते हैं। ये देखिए कितने साफ हो गया, ठीक है जी, पैरों को करते हैं वॉश और देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ हो गए हैं। सारी जंग बुलाई इसकी कर गई है, ठीक है, दूसरे पाँव को भी करते हैं क्लीन। ये भी हो गया, ठीक है, ठीक है, हाथ को करते हैं और अपने फेस की तरफ आते हैं, को हल्का सा करते हैं, लाओ कॉफी लगाइए, हल्के हल्के हाथों से बैठ करके रबिंग कर लेते हैं। अब कोई सा भी आपके पास अगर है पैड, क्लीनिंग पैड, तो उससे कर लें, नहीं तो फेस वॉश कर लें। अब इसका देखिएगा जादू स्किन का, आपको शायद कैमरे में नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा क्लीन हो गया क्योंकि मैंने जहां पे कैमरा फिट किया हुआ है उस पे रिंग लाइट मेरी ऑन नहीं है, लेकिन आप खुद घर में जरूर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आज कल विंटर है तो कॉफी सबके घरों में है, कॉफी से अपने टीथ को भी क्लीन कीजिएगा, हैंड्स को भी, इवन के अपने प्राइवेट पार्ट को भी क्लीन कर सकते हैं, अंडर आर्म्स लाइक, और इसका फिर जादू देखिएगा। ठीक है जी, तो मेरे ये दोनों काम हो गए हैं, स्किन केयर भी हो गई, अब बस शावर लेने के बाद मॉइस्चराइज करेंगे चेहरे को, वो भी दिखाएंगे, और अब मैं जब शावर लेकर आती हूँ तो फिर आपसे बाद में बात होती है, फिर वीडियो को एंड भी करना है में भी, लेकिन हमें छोटे बच्चे यही मानता होगा। दे दे।
चले जी शावर ले लें, अब टाइम है मॉइस्चराइज करने का। अभी ले लें, मैंने लिया है राइस मिल्क का लोशन लिया है, हल्का सा इसको करेंगे। ओके टेक नॉट एक्साइट, इतनी सी अमाउंट ले लें बस, फेस का मसाज भी हो जाएगा। ठीक है जी, सारे काम करने के बाद ओके फेस का मॉइस्चराइज लाजमी क्या करें, डे के नाइट के भी क्या करें। बेशक महंगी प्रोडक्ट मत लें जो आपके घर में पड़ी हुई है, लोशन और एक आधा सीरम अच्छा सा खरीद लें। सीरम तो वैसे मैंने भी खरीदा हुआ लेकिन अभी तक लगाने का टाइम ही नहीं आ रहा। और एक नाइट क्रीम लेना, अगर नाइट क्रीम नहीं है तो रात को इसी तरीके से मॉइस्चराइज करके कर लिया कर, और मॉर्निंग में जो है ना मॉर्निंग में सनब्लॉक लाजमी यूज किया करें। वही इसी तरीके से फेस की मसाज करने के बाद, ऑब्जर्व होने के बाद, मैं सनब्लॉक यूज कर रही हूँ इस कंपनी का। ठीक है, कोई से भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, ले लेंगे सनब्लॉक लाजमी लगाया करें। ठीक है, ज्यादा ही ले लिया मैंने। सन ब्लॉक लगाने के बाद लग गया है सन ब्लॉक भी। यस नो चलिए, अब स्किन केयर तो हो गई है, देखिए कितनी लंपी सी हो गई। पैरों का किया तो पाँव को भी कर लेते हैं, पाँव को भी कर लेते हैं मॉइस्चराइज। नो इट्स डर्टी। ठीक है जी, दोनों फीट हो गए हैं मॉइस्चराइज। मैं तो पहनने लगी हूँ सॉक्स, मेरी तरह थोड़ी सी हुई है खराब, किसी को पहन लेते हैं, थोड़ी सी हीट भी मिल जाएगी। अभी शावर लिया, चलिए स्किन केयर भी होगी, फीट केयर भी होगी, शावर भी ले लिया। यस यस, सारे काम हो गए और खाना वाना आज सारे काम इसलिए हुए क्योंकि आज खाना वाना नहीं बनाया था, कल का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज ये हैवी काम है। अभी देखिए ये काम करते करते मुझे दोपहर के 2:30 बज गए हैं सुबह से। ठीक है, थोड़ा सा लेट भी थी इस वजह से भी, तो उसके बाद अब अगर खाना होता तो सोचे कहाँ पे जाती, अब बस नमाज पढ़ेंगे जोहर की। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जो है उसके बाद फिर हम अपना वॉक के लिए जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसी तरीके से मगरिब की नमाज, फिर रात का खाना, फिर इसी तरीके से ये रूटीन थ्रो आउट डेली बेसिस पे ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन अगर इसमें कोई एक हैवी टास्क ऐड हो जाए, मतलब कोई बड़ी सफाई ऐड हो जाए, लाइक जिसे भल सफाई कहते हैं, डीप क्लीनिंग हो जाए, तो फिर वो टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, नहीं तो ये ऐसे ही रूटीन हमारी चलती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी, मैंने पहले भी अपनी मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन आपके साथ शेयर की है। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन जाते एक और टिप बता दूंगी, अगर किसी को अंडर आर्म्स की स्मेल का प्रॉब्लम है तो हम बहुत महंगे महंगे डिओडोरेंट लगाते हैं और फ्रेशनर यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, तो हम आपको इसका देसी टोटका बताते हैं कि हर घर में फिटकरी तो मौजूद होगी। फिटकरी का एक ढेला ले लें, उसको बाथरूम में रख लें, जब आप शावर से फारिग हो, शावर फिनिश करें, तो आप वो फिटकरी का जो ढेला है वो आप अपने अंडर आर्म्स पे उसको रब कर लें, तो उससे यकीन माने कि आपको अंडर आर्म्स में स्मेल खत्म हो जाएगी, कोई बदबू नहीं आएगी, ना ही पसीना आएगा, बहुत अच्छा टोटका है, इसको करके जरूर देखिएगा। और अगर आप में से कोई करता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।